नए साल में भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बनने की ओर तेजी से हो अग्रसर, धूमल। पूर्व मुख्यमंत्री ने नव वर्ष पर सबकी खुशहाली, समृद्धि, प्रसन्नता और कोरोना महामारी से बचाव की कामना की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने भारत की जनता को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं भेजी हैं। एक संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नया साल भारत के लोगों और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और रोग मुक्त वातावरण लाएगा। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के शुभारंभ पर वह देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नववर्ष सबके लिए खुशहाली, समृद्धि, प्रसन्नता लेकर आए और कोरोना महामारी से सबकी हिफाजत हो। प्रोफेसर धूमल ने लोगों से फेस मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप से बचाने के लिए उचित देखभाल करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोविड की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है, इलाज से परहेज बेहतर है, इस स्वर्णिम नियम को याद रखें और अपने जीवन में भी अपनाएं। मास्क पहने, 2 मीटर की दूरी रखें, बार बार हाथ धोते रहें। नव वर्ष के शुभारंभ पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी के लिए नया वर्ष खुशहाली लाए, प्रसन्नता संपन्नता लाए, बीमारी से बचा के रखे और भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बनने की तरफ और तेज गति से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमीरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।